आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम रेलवे स्टेशन गेट के बाहर हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जो कंटीली तारों से इस गेट को पिछले 7-8 महीनों से जो बंद रखा गया है और रोजी जड़ी है वो कमा सकन। गवर्नमेंट बड़े वादे कर दी है अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर गया, कोई अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं है। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 307 ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਡੀਟੀਐਮ ਕੋਲ। ਇਸੀ ਸਰ ਜੀ ਬੱਲਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨੋ ਸਰ आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन गेट जिस तरह से आप जानते हैं पिछले 7-8 महीने से जो है बंद किया गया है कंटीली तारों से। यहां पे जो फोर्स को तैनात किया गया है और यहां इस रेलवे स्टेशन पे निर्भर जितने भी लोग हैं वो चाहे बैगिंग करने वाले हों, रेडी फड़ी लगाने वाले हों, चाहे यहाँ के दुकानदार हों, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी मंदी का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसी सब पे यहाँ पे जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे साथ मनोज जी हैं, पैंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। सर क्या कारण है आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए सर, जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक कोरोना की जो बीमारी चल रही है उसी के तहत पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट बंद थे। ठीक है, हमने जम्मू के लोगों ने पूरा उनके साथ साथ दिया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान में खासकर जहाँ जहाँ पे कोरोना फैला था, महाराष्ट्र में था, गुजरात में था और दिल्ली में था, वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिहार में लक्षण है, वहाँ पर ट्रेनों पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब जम्मू की बात आती है तो उन्होंने एक राजधानी दी, जिस मजदूर की औकात उसका कद एक जनरल में जाने का नहीं था, इन्होंने मजबूरी के कारण उसको एसी की टिकट लेने पर मजबूर किया 1485 रुपये की। जिस मजदूर को जो 30-35 साल से, खासकर जो हमारे जम्मू प्रोविंस के जो पहाड़ी ज़िले हैं, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ, रामनगर, बिलावर, बसोली लगा लो, रजौरी, पुंछ लगा लो, जो यहाँ पर रोज़गार करते थे, तीस तीस साल से यहाँ काम कर रहे थे, वो बेरोजगार कर दिए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या कारण है आप जम्मू की स्टेशन ट्रेनें नहीं चला रहे हो? या तो आपके पास पूरा प्रशासन नहीं है जो लोगों को हैंडल कर सके, फिर आप छोड़ दीजिए, जैसे हमारी स्टेट थी वैसे बना दीजिए, वो भी आपसे नहीं चलता है। यहाँ बात करें तो करें किसे? अगर हम SHO साहब से बात करें, DTM के पास जाओ, DTM से बात करते हैं तो आप DRM के पास जाओ, उनसे बात करो उनके पास जाओ, अगर हम यहाँ DC साहब से बात करते हैं आप DIPCOM के पास जाओ, DIPCOM से बात गवर्नर के पास जाओ। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा कोई माई बाप है जम्मू से को पूछने वाला जिसके आगे हम अपनी फरियाद लेके जाएं? मनोज जी, कारण का पता लगा अभी तक इतनी देर हो गई है, क्यों बंद है? जब बाकी सारे स्टेशन खुले हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन क्यों बंद है? सर यही तो हमसे सवाल करना चाहते हैं, आप साबित तो कीजिए कि जम्मू में क्या चल रहा है। यहाँ पे कोरोना पेशेंट है तो उनका इलाज कीजिए, अगर हम सबको कोरोना तो हमें अंदर ले जाइए। ये सरासर ये जब से 370 तोड़ा एक साजिश रची जा रही है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू का डोगरा अपना सिर ना उठाए। उनको उन्होंने डोमिसाइल बना दिए, लाइन लगा लो उन पर, प्रॉपर्टी टैक्स लगा लिया, लाइन लगा लो। अब तो जातिवाद के, अपने अपने पंचायतों में जाओ, अपने अपने पटवारी से अपने अपनी जात का सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट क्या है, वो वायलेशन कर दी। और हम इतनी लंबी चौड़ी डिबेट पर नहीं जाना चाहते, हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का एक जो व्यापार मंडल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कि उनको नहीं पता चल रहा कि जो माल हमारा ट्रेनों में प्रचून में आता था, सस्ता किराया लगता था। जैसे मैंने बताया कि मेरे को बिलावर जाना है तो मेरे 185 रुपये किराया है, अगर मेरे को ट्रेन में लुधियाना जाना तो 145 रुपये किराया है। हर लिहाज से ट्रेन हमारे लोगों के लिए सुखदायी थी, बस में एक्सीडेंट का खतरा होता है, 100 चीज़ होती। लेकिन देखो ना, जैसे हम कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया है कि पाकिस्तानी आएंगे छलांग मार के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो सरासर पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने जम्मू के डोगरों को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। क्या हमने इनके साथ 6 महीने ताबुन नहीं दिया? 370 तोड़ा हमने, ताबुन नहीं दिया इनको? सारी जगह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आज हम मजदूर लोग, हम कोई बड़े बड़े होटल वाले नहीं हैं, बड़े बड़े दुकानदार लाले नहीं हैं, कोई बड़े बड़े गाड़ियों के सरमाएदार नहीं हैं, हम तो रोज़ दिहाड़ी लगाते हैं, रोज़ खाते हैं, और प्रशासन जानता है। आज हम मजबूर हो गए क्योंकि 6-6 महीने हो गए बच्चों की फीसें नहीं दी हैं, दुकानों के किराए नहीं दिए हैं, अब तो घर पर भी तलाक होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई आप तो अच्छी तरीके ट्रांसपेरेंसी कर रहे हो, लेकिन आपके चक्कर में गरीब लोग तो मरे गए। सर कुछ कंपनसेशन भी दिया गया है रेलवे स्टेशन पे जो लोग काम किया करते थे, जिनको इस खसारे से जो गुजरना पड़ रहा है, कुछ कंपनसेशन भी दिया गया? कंपनसेशन तो आप भूल जाइए, इवन के जो बैंक में किसी ने 50,000 KCC लोन लिया हुआ था, किसी ने ऑटो लोन लिया हुआ था, 6-6 महीने उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। जैसे ही 30 सितंबर ख़त्म हुई लोगों के NP केस, और NP केस में क्या होता है,
सीधा दो नोटिस आते हैं, तीसरा नोटिस थाने में जाता है अरेस्ट हिम। और आपने पहले गोल्ड लोन दिए लोगों को, फिर आपने केसीसी लोन दिए लोगों को, अब आपने जमीनों के लोन दिए लोगों को, आपने हर तरीके से कैप्चर कर लिया। और वही हिटलर वर राज आ गया कि जिसको दो बद की लॉटरी मिल जाए वही समझा आजादी है। ये लोगों इन प्रशासन ने हम लोगों के साथ कर दिया है। और हम यहाँ पे कोई फोटो खिंचाने नहीं आए हैं, कोई नेतागिरी का कोई सवाल नहीं है। आप खुद ही दे सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं पहले तो ट्रेनें चलाई जाएँ, फिर रास्ता खोला जाए। आप क्यों हम गरीब लोगों को आत्मदाह करने पे मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि बैंक वाले पीछे पड़ेंगे, पुलिस पीछे पड़ेगी, काम धंधा है नहीं, बच्चे घर छोड़ के जाएंगे, बीवियाँ घर छोड़ के जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो इनके स्टेशन के आगे आत्मदाह करेंगे। चलो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुशील दत्त शशी, मैं टैक्सी यूनियन से, टैक्सी यूनियन का मेंबर हूँ। तो कितना लॉस हुआ अभी तक, जब रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरह से बंद है, कोई भी यहाँ पे आ जा नहीं रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है? सर ये कोई एक साल से हमारा ये जो रेलवे स्टेशन बंद है, हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जिन स्टेटों में कोरोना ज़्यादा था, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ पे आपने ट्रेनें चला दी, बिहार में आपने ट्रेनें चला दी, ये जम्मू कश्मीर में कौन सा इतना कोरोना आ गया कि आप जो है वो ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे? कभी ये बोलते हैं सितंबर में चलेंगी, 20 को चलेंगी, 31 को चलेंगी, अक्टूबर भी आ गया। अब हमारी जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट का लोन है, मगर अब हमें बैंक वाले नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हम जो ट्रांसपोर्टर हैं वो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है, 70% रेवेन्यू ट्रांसपोर्टर देता है, मगर जब हमारी ट्रांसपोर्टरों की बात आती है गवर्नमेंट किसी बेंच पे हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ये घोषणा की जी 1,000 रुपया फैमिली का देंगे हम एक महीने का, 1,000 रुपया मिला क्या? वो दिया नहीं, खाली घोषणाएं की, मगर गवर्नमेंट ये बताए कि 1,000 रुपये से एक फैमिली का महीना चल सकता है। 120 करोड़ का पैकेज, 1,350 करोड़ का पैकेज, 550 करोड़ का पैकेज, पैकेज पे पैकेज की घोषणा हो रही है, वो खाली कागजों में घोषणा हो रही है, मगर ग्राउंड लेबर पे हम गरीब लोगों को, हम लोग जो हैं वो हैंड टू माउथ है, हम सुबह दिहाड़ी लगाते हैं शाम को खाते हैं। आज 9 महीने से हमारी गाड़ियाँ बंद हैं, घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीसें देनी है, मगर गवर्नमेंट सुनी नहीं रही है। गवर्नमेंट जो है वो एक हिल्टर वाला कानून चला रही है और गरीब लोगों को दबा रही है। जब इन्होंने बोर्ड लेने होते हैं तो सबका साथ सबका विकास, अब अपना विकास सबका नुकसान, ये गवर्नमेंट कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, स्पेशल जो एक पैकेज जो है वो ट्रेड यूनियन के नाम पे आए और इन लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में जाए पैसा, ताकि ये लोग भी अपनी रोटी रोजी कमा सकें। हमारी यही मेन डिमांड है, ये जो रेलवे स्टेशन का मेन गेट है इसको खोला जाए और ट्रेनें जो हैं वो जम्मू के लिए चलाई जाएँ। एक साल से ट्रेनें बंद हैं, हमारे लोगों की हालात बुरी है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ गाड़ियों पे प्राइवेट फाइनेंसरों के केस हैं, वो भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां भेज रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमारी जो है वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या मांग करते हैं, मतलब ट्रेनें जल्द से जल्द शुरू की जाएँ? हमारी सबसे पहली डिमांड है कि ये ट्रेनें जल्दी से जल्दी चलाई जाएँ और ये जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है इसको खोला जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट हमें ट्रेड यूनियन को एक स्पेशल जो है वो पैकेज की जो है वो घोषणा करें, ताकि हम लोगों को अभी रोटी रोजी जो है वो चल सके। एक साल से हमारी गाड़ियाँ बंद हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस हैं, टोकन हैं, टायर हैं गाड़ियों के, बैटरियाँ ख़त्म हो गई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज हमें बोला जाए कि आप कल गाड़ी रोड पर लाओ, उसके लिए हमारे पाकड़ जो है वो इजाज़त नहीं देती, कम से कम 1,00,000 रुपया जेब में चाहिए तो हमारी जो है वो गाड़ी चले। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के वन टाइम सेटलमेंट करके हमें एक पैकेज दे, जिससे हम लोग जो है वो पटरी पे आ सकें और अपने रोज़गार को जो है वो चला सकें। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट जो है इनके द्वारा आज यहाँ पे किया गया था, पिछले 8-9 महीने से जो ये ट्रेनें बंद होने की वजह से जो रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया है, जितने भी लोग यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे निर्भर करते हैं, काफ़ी मंदी का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और आज थक हार के जो है इनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। और इनकी एक ही मांग है कि इस रेलवे स्टेशन को जल्द से जल्द खोला जाए, ट्रेनें शुरू की जाए, ताकि इनको जो है थोड़ी सी सहूलियत मिल सके और जो जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही थे, जैसे कि
ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। सो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस एनजी और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। सो मैं सभी जम्मूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टैक्ट सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल डीके शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।